जितने भी आसन किए कहीं नहीं रखेंगे, बच्चों का अच्छा आसन बनेगा। लगातार
घर में करने की प्रक्रिया बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, सबों को अपनी अपनी दिक्कत है, लेकिन इसे करना चाहिए। इससे जो ये प्रभाव पड़ता है शरीर और मन पर वो निश्चित रूप से अद्भुत होता है। वैसे इसके लिए ये भी कहा जाता है कि यह आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की कला है। इसलिए ये आत्मा और परमात्मा जब जुड़ती है तो उसे योग कहा जाता है, जिसको हम हिंदी भाषा में जोड़ भी मानते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था इसका सही नाम योग है। कोई आत्मा और परमात्मा को जुड़ने का कला को संस्कृत में योग कहा जाता है, जिसका अर्थ बदल करके योग हो गया। खैर जो भी हो, आज 21 जून को ये इसलिए मनाया जाता है कि आज का दिन, जैसा कि बच्चे लोग भी जानते होंगे, कि सबसे लंबा दिन होता है। अब कल से क्रमशः 2 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से दिन छोटा होता चला जाएगा। आज का दिन पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा लंबा माना जाता है, और हम इसे आज इसलिए मनाते हैं कि हमारा शरीर एक लंबे अवधि तक हम जीवित रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए इसे आज 21 तारीख को मनाने का तिथि निर्धारित की गई है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप सबों से निवेदन करूँगा, इसे सिर्फ एक औपचारिकता नहीं मानते हुए आप सभी इसको अपनाएं। हम लोगों का तो अपनाने और छोड़ने के क्रम में अब समय बीतने की ओर जा रहा है। बच्चों का समय अब शुरू हो रहा है, और निश्चित रूप से आप इसे अपनाएं और इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ बाल भारती के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार मंगल जी, जोरदार ताली से का स्वागत करें। परंपरा है जिसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
और मुझे लगता है कि इसमें किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी जिम में भी जाते हैं तो आपको सामान खरीदना पड़ता है, और योगा में आपको एक सिखाने के लिए एक कड़ी चाहिए, इसके अलावा आप कहीं भी बैठ कर के कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे सस्ती ऐसी पद्धति है बच्चों, ये तुम लोगों के लिए ज़्यादा उचित है कि आने वाले भविष्य में तुम्हें कैसे स्वस्थ रहना। पिछला जो जीवन था लोगों का वो कदाचित आनुपातिक दृष्टि से ज़्यादा बेहतर था। आने वाले समय में बच्चों को खाने खान पान हवा या जल हर चीज प्रदूषित मिलने वाला है, इसलिए हमें अपने खान पान और सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या में हम योग को शामिल करें। हर आदमी व्यस्त है, मुझे बहुत नहीं बोलना चाहिए लेकिन कुछ बोला जा रहा है, हर आदमी व्यस्त है, समय का अभाव है, योगा भी करना है और स्वस्थ भी रहना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार योगों का चयन करें कि कितना योग आपको करना है। आपके पास 10 मिनट का वक्त है, आप 10 मिनट के लिए उसको सिलेक्ट करें। आपके पास आधे घंटे का समय है, आप आधे घंटे का योग का पैकेज आप चयन करें। आपके पास एक घंटे का वक्त है, आप एक घंटे का करें। बहुत लंबा समय नहीं है, 15 मिनट का समय है, तो आप आवश्यक योग में से खोज लें। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, जैसा कि मैंने भी अनुभव किया है। आज के जीवन में जो उठने बैठने चलने फिरने की का तौर तरीका है, उससे प्रायः कमर दर्द, पीठ दर्द और कई तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को भी हम दूर कर सकते हैं। अब अगर हमारी हड्डी टूट जाएगी तब तो एलोपैथ के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका पाचन बढ़िया नहीं है, यदि आपकी लीवर बढ़िया नहीं है, यदि आपके पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन सब छोटे छोटे सामान्य लोगों को हम योग की पद्धति के द्वारा दूर कर सकते हैं। साल में एक बार नहीं करें, औपचारिकता बस नहीं करें, इसको नियमित करें। ये मेरी आपसे मतलब की विनती है, इसको रेगुलर करें। कभी 5 दिन छूट जाए तो फिर उसको प्रारंभ कर दें, कहीं आप बाहर जाते हैं छूट जाता है फिर उसको प्रारंभ कर दें, इसको नियमित करें। इतनी बात से मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। क्या कार्यक्रम भी ये गुस्से संभालेंगे, धन्यवाद। आदरणीय बाल भारती के अध्यक्ष श्री पवन सराफ जी, उपाध्यक्ष श्री अजय रुमटा जी, सचिव श्री जगदीश प्रसाद जी मांडिया जी, उप सचिव श्री शिव कुमार कंसारी जी, कोषाध्यक्ष श्री अशोक गोपालका जी, श्री अभय प्रकाश लुंगा जी एवं लोक साधना परिवार सदस्य, बाल भारती के प्रिंसिपल सर, एडमिनिस्ट्रेटर सर, वाइस प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड लवली स्टूडेंट्स, मैं सभी का आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर बाल भारती के विद्यालय बाल भारती प्रसार में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन नमन करता हूँ। योग के विषय में मैंने आज 4 साल से देखा है कि योग की परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब तक योग के विषय में अच्छी तरह से लोग नहीं समझ लेंगे, योग पर उतर नहीं सकेंगे, खड़ा नहीं कर सकेंगे। योग आध्यात्मिक अभ्यास है, योग जीवन दर्शन है, योग आत्म अनुशासन है। नियमित योगाभ्यास से आत्मशक्तियों का बोध होता है और आत्माओं का साक्षात्कार होता है। परम चेतन आनंद की अनुभूति होना ही योग कहलाता है। योग एक वैज्ञानिक चिकित्सा है, यह सिर्फ व्यायाम की कला ही नहीं है, यह एक वैज्ञानिक चिकित्सा है। रोगानुसार जो कोशिकाएं हमारी निष्क्रिय हो जाती है, योग से वही कोशिकाएं वापस सक्रिय हो जाती है। योग में ऐसी शक्ति है। आज समाज में देख रहा हूँ कि लोगों की आयु घटती जा रही है और इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है।
आए दिन घटनाएं घट रही है, 60-65 की अवधि में लोग जा रहे हैं और परमात्मा की कृपा से 100 वर्ष की आयु हम लोगों को मिली थी, 100 वर्ष की सर्टिफिकेट हम लोगों को मिली थी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण हम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दे पाया। और यह आयु कैसे बढ़ेगी? नियमित योगाभ्यास से यह आयु बढ़ेगी। अगर नियमित योगाभ्यास रहेगा तो योग की शक्ति का अनुभव होते रहेगा और आपकी आयु कभी बढ़ जाएगी। एक सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में श्वास क्रिया 16 बार होती है और अस्वस्थ व्यक्ति की सामान्यतः श्वास की क्रिया 30 सेकंड की होती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह 16 सेकंड 1 मिनट में 16 बार श्वास देते हैं और जो अस्वस्थ है वो 1 मिनट में 30 बार श्वास देते हैं। तो आज ऋषि मुनियों की श्वास की क्रिया 1 मिनट में 200 बार हो जाती है, आयु 200 वर्ष बढ़ जाती है, लेकिन 1 मिनट में 16 बार श्वास क्रिया हम लोगों की कैसी होगी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। 30 बार अगर हम श्वास देते हैं तो हमारी आयु 60 या 65 की होती है, लेकिन 100 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए हम लोगों को नियमित योगाभ्यास से आपकी आयु बढ़ सकती है। 60, 65, 55 में देखा जा रहा है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन बीच मझार में आपका काम अधूरा रह जाता है। जबकि परिवार का एक मुखिया भी अगर चला जाता है तो घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। जबकि प्राचीन योग से ही योग की परंपरा चली आ रही थी और आज विद्यालय के माध्यम से बच्चों को ये योग की शिक्षा दी जा रही है। कहते हैं पहला संस्कार माता पिता से ही मिलता है और दूसरा संस्कार गुरु अध्यात्म विद्यालय से मिलता है, लेकिन आज समस्याएं इतनी बदलना हो गई है कि दैनिक दिनचर्या में हमारा ये योग का जो संस्कार है वह जोड़ नहीं पाया। पूज्य गुरु स्वामी रामदेव जी की कृपा से, उनकी कठोर तपस्या से, सशक्त मेहनत से यह योग की कला आज पूरे विश्व में जागृत हो पाई है। जो आज विद्यालय के माध्यम से बच्चों को यह संस्कार मिल रहा है, अगर यह संस्कार माता पिता से शुरू से ही घर से मिल जाता तो हमारे बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आज स्वस्थ होते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते होते। आज बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर इतना बढ़ रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इनके स्थान कार्य के लिए पूज्य स्वामी जी को मैं पूरे बाल भारती परिवार की ओर से हार्दिक नमन करता हूँ। जय स्वामी।